मास्क खुद ही बनाइए और महंगे खर्चों से बचिए, क्योंकि इन दिनों कोरोना वायरस के चलते मास्क और सैनिटाइजर को लेकर खूब मारामारी चल रही है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग जन सामान्य को जागरूक कर रहा है। लोगों को मास्क बनाने के बारे में और कोरोना से बचने के बारे में जानकारी दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी सरिता चौहान ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सभी अपने स्तर पर जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर स्थित दफ्तर में आज सभी को हाथ धोने के सही तरीके के बारे में समझाया गया, जिसमें हाथ धोने के 5 स्टेप्स की पूरी जानकारी दी। हाथ धोने हैं और साबुन लेंगे हाथ गीला करके, तो सबसे पहले हम अच्छे से रगड़ेंगे, फिर हम ऐसे उंगलियों के बीच से साफ करना है दोनों हाथों के, फिर आपने अंगूठा ऐसे करके ऐसे दोनों हाथों के हम अंगूठे साफ करेंगे, उसके बाद चारों उंगलियां जोड़ के नाखून साफ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे ये कोहनी तक जाना चाहिए और उसके बाद आपने हाथ धोना है। कोरोना वायरस को लेकर WCD जो है बहुत गंभीर है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है करवाई जा रही है। हमारे कमिश्नर द्वारा एक पैम्फलेट भी तैयार करवाया गया था कि सभी जो है अपने ज़िले में उसको बंटवाएं। हमारे द्वारा भी इस अवेयरनेस में उस पैम्फलेट को जो है गांव-गांव में और आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा बंटवाया जा रहा है। कोरोना वायरस में जो मेन है, हम जो आज जागरूक कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, ब्लॉक में, अपने ऑफिस में, कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए वो हैंड वॉश करके आए, और हैंड वॉश भी जो 5 मेथड सिखाए गए हैं उनके द्वारा ही हाथ धुलवाया जाए, और जब भी कोई व्यक्ति हाथ धोए तो वो जो है रुमाल वगैरह से उसको पोंछे ना, और सफाई का ध्यान रखे, बिना हाथ धोए कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर में या ऑफिस में एंटर ना करे। अगर किसी भी व्यक्ति पे हमें शक है कि उसको बुखार है, खांसी है या जुकाम है, तो तुरंत उसको जो है हम सलाह दें कि वो अपने जो है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाए और अपना चेकअप कराए, और वो दूसरे व्यक्ति से जो है दूरी बनाकर रखे। हमने यह भी इसमें बताया कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है तो वो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करे ताकि वो दूसरों तक ना फैले।